दोनों को भिन्नों का भाग करना सिखाएंगे, ठीक है। आज तुम्हारी तरह के कुछ साथी, तुम्हारे ही साथी हमारे साथ स्टूडियो में आए हुए हैं, उनके साथ मिलकर आज हम भिन्नों का भाग करना सीखेंगे, ठीक है। हाँ दीदी। हाँ दीदी। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ दीदी। हाँ दीदी। चलो ठीक है, अब सबसे पहले हम तुमको एक एक कागज देते हैं, ठीक है। ये लो, तुम भी लो गुड़िया, अखिलेश तुम भी कागज लो, ठीक है। अब तुम लोग इस कागज को दो बराबर भागों में बांटो, इसे कर लो। ठीक है, हो गया। देखो भाई, इसका भी हो गया है ना। अब तुम लोग एक चीज पे ध्यान दो इसमें। अब जो तुम्हारा ये एक हिस्सा देख रहे हो है ना, और ये तुम्हारा एक हिस्सा है ना, तो ये पूरे का कौन सा भाग है? ये एक बटा दो भाग है। हाँ, एक बटा दो भाग है। तुम बताओ ये पूरे का कौन सा हिस्सा हुआ? ये पूरे का एक का आधा हिस्सा हुआ। आधा हिस्सा हुआ, ये सही बता रहे है ना। कौन सा भाग हुआ? एक एक और दीदी से एक बटा दो भी कहते हैं। एक बटे दो भाग कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ये हमारा जो एक बटे दो कागज है ना, ये हिस्सा क्या है? एक बटे दो है। अब इसको फिर दो बराबर भागों में बांट दो, ठीक है, जल्दी से। मेरा हो गया दीदी। तुमने एक बटे दो भाग के दो हिस्से किए हैं। ये जो हिस्सा है ये पूरे का कौन सा भाग है? एक बटे चार भाग है। हाँ, एक बटे चार भाग है। तुम बताओ ये पूरे का, हाँ, चौथाई भाग हुआ। चौथाई भाग, पूरे का चौथाई भाग हुआ है ना। और दीदी इसे एक बटा चार भी कहेंगे। एक बटे चार भी कहते हैं, चौथाई भी हुआ, इसको एक बटा चार भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें ये जो एक हिस्सा मिला है ये एक बटा चार है, ठीक है। अब इसको हम भिन्न के भाग की सहायता से कैसे एक बटे चार को निकालते हैं ये तुमको हम अब समझाते हैं, ठीक है। अब देखो, इस एक कागज को हमने दो बराबर भागों में बांटा था है ना। इसको हम लिख सकते हैं एक भागे दो है ना। हाँ, देखो इसको एक कागज को दो बराबर भागों में बांटा था। हाँ, और ये हमारा उसके एक बटे दो भाग है, ठीक है। तो ये बराबर हुआ एक बटा दो, एक भागे दो मतलब एक बटा दो, ठीक है। हाँ दीदी। अब इस एक बटे दो भाग को, ये हमारा क्या है, एक बटे दो भाग है, इस एक बटे दो भाग को भी हमने दो बराबर भागों में बांटा है, बांटा है ना। हाँ दीदी। ये देखो तुम लोगों को दो भाग मिले हैं, मिले है कि नहीं है? हाँ दीदी। है ना। अब इस एक बटे दो को हम दो बराबर भागों में बांटते हैं, भागे दो, ठीक है। हाँ दीदी। एक बटे दो भागे दो। अब हमको एक बटे चार कैसे मिलेगा, इसको हम इसको हल करते हैं इसके लिए, और तुम लोग ध्यान से देखना इसको। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी भाजक संख्या होती है, इसमें भाजक क्या है, दो, जो बाद में लिखी होती है वो भाजक होती है, और जो भाजक संख्या होती है उसके व्युत्क्रम से हम गुणा कर देते हैं। व्युत्क्रम जानते हो? नहीं दीदी। नहीं मालूम है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। उल्टा देखो, जैसे कि ये कलम है, कलम है ना, इसका उल्टा क्या हुआ, जैसे उल्टी कलम हो गई। हाँ, उल्टी हो गई ना। हाँ, ऐसे ही व्युत्क्रम का मतलब है यहाँ पे उल्टा, यानी कि तुम्हारा दो जो है, हमारा भाजक है, इसका व्युत्क्रम हुआ एक बटे दो, दो।, दो। समझ में आ गई बात? हाँ, हाँ, दीदी। तो दो का व्युत्क्रम क्या हुआ, एक बटे दो। अब हम क्या करेंगे, इसमें व्युत्क्रम, भाजक के व्युत्क्रम से इस भिन्न को हम गुणा करेंगे, यानी कि एक बटे दो गुणे एक बटे दो, ये हमारी भिन्न है ना, और ये हमारी पूर्ण संख्या है। पर इसका मतलब है कि हम एक भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग दे रहे हैं, ठीक है। हाँ दीदी। जब भिन्न को हम पूर्ण संख्या से भाग देते हैं तो हम इसमें भाजक के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब ये कितना आया, एक बटे दो गुणे एक बटे दो कितना हुआ आरुषि, बताओ। एक तो नहीं हुआ, एक बटे दो गुणे एक बटे दो कितना हुआ अखिलेश, तुम बताओ। एक बटे दो इंटू एक बटे दो मतलब हुआ एक बटे चार। बहुत सही बताया तुमने, इसका मतलब हुआ एक बटे चार, ठीक है। और यही तुम्हारा इस हिस्से का मान है,
अभी हम लोगों ने चार हिस्से किए थे। हाँ दीदी, पहले एक हिस्से को दो भागों में बांटा, एक बटे दो हो गया, फिर एक बटे दो को दो भागों में बांटा, एक बटे चार हो गया, यानी हमारे इस हिस्से का मान है एक बटे चार। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ दीदी। अब जो है तुम लोग के लिए कुछ चीजें लाए हैं हम, देखो जैसे ये कंकड़ है, अखिलेश को ये कंकड़ देते हैं। अखिलेश कितने कंकड़ है देखे बताओ, और ये सुंदर सुंदर सी जो गोलियां हैं ये आरुषि को दे देते हैं। दीदी ये गोल ये कंकड़ तो 12 है। 12 है? हाँ दीदी। तुम पे गिनो कितनी है। ठीक है, इसने तो कितने अच्छे से रख लिया है। ये तो मेरे भी 12 है दीदी। 12 है। अब तुम लोग एक काम करो, इसको 3 बराबर बराबर भागों में बांट दो। ठीक है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। मैंने कर लिया दीदी। हो गया? मैंने भी कर लिया दीदी। मैंने भी दीदी कर लिया। हाँ, 3 बराबर भागों में बांट लिया। अच्छा तुम बताओ, ये तुम्हारा जो एक भाग है ना, ये एक भाग जो है पूरे का कौन सा भाग है? दीदी ये 1/3 भाग है। बहुत सही बताया इसने, 1/3 भाग है ना। तुम बताओ तुम्हारा एक भाग पूरे का कौन सा हिस्सा है? ये 2/3। 2 पूरे का पूछ रहे हैं, पूरे का बताओ। पूरे का कौन सा हिस्सा है? ये तीसरा हिस्सा है। पूरे का तीसरा हिस्सा है, यानी कि 1/3। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ दीदी। अच्छा अब एक काम और करो, ये तुम्हारा जो एक हिस्सा है अब इसको 2 बराबर भागों में बांटो। मेरा हो गया दीदी। कितने हिस्से बने, कुल कितने हिस्से बने? कुल 6 हिस्से बने। ठीक से बांटो बेटा, अलग अलग करो पूरे हिस्सों को। कुल कितने हिस्से बने? 6। कुल 6 हिस्से बने, यानी कि अगर हम इसकी बात करें कि हमारा जो ये एक हिस्सा है, ये जो एक हिस्सा है ये पूरे का कौन सा भाग है? तुम बताओ। 1/6। बहुत सही बताया, 1/6। क्यों 1/6 क्यों है ये, तुम बताओ अखिलेश। ये 1/6 इसलिए क्योंकि हमने एक भाग को 6 भागों में बांटा है। हाँ बिल्कुल सही बताया इसने, क्योंकि एक भाग को हमने 6 बराबर बराबर भागों में बांटा है, इसलिए ये 1/6 हुआ। एक भाग जो हमारा 1/6 हुआ। अब इस एक भाग का मान हम भिन्न के भाग से कैसे निकालते हैं ये तुम लोगों को देखो, हम करके दिखाते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास कितने कंकड़ थे, कितनी गोलियां थी? 12 थी। हाँ दीदी 12 थी। ठीक है, और 12 को हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। 3 भागों में बांटा था, है ना। तो 12 भागे 3 हुआ ना। हाँ दीदी। अब इसको भिन्न मान, 12 को 12 का मतलब होता है 12/1। 12 के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो हम मानते हैं 12/1। और 3 के नीचे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब हुआ 3/1। ठीक है, अब 12 को हमारा 12 में तुमको भाग देना है। अब 3 का हम क्या करेंगे, पहले व्युत्क्रम निकालेंगे। 3 का व्युत्क्रम कितना हुआ तुम बताओ सनी? 3 का व्युत्क्रम हुआ 1। गलत, 3 का व्युत्क्रम 1 नहीं होता है, 1/3। 1/3 हुआ, 3 का व्युत्क्रम हुआ 1/3, उल्टा होता है ना व्युत्क्रम। तो हम इसको इसके व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं, यानी कि हो गया ये 12 × 1/3, यानी कि हो गया 12/3 बराबर कितना हुआ सनी बताओ? बराबर 12। 12/3, 12 में 3 का भाग दो कितना आएगा? 12 में 3 का 12 4 में कितनी बार पढ़ा जाएगा? 4 बार दीदी। 4 बार जाएगा ना, 4 आएगा। 4 आएगा, ठीक है। यानी कि तुम लोग के पहले जो तुम लोगों ने 3 हिस्से किए थे उसमें कितने कितनी गोलियां आई थी, कितने कंकड़ आए थे? 4 आए थे। एक हिस्से में 4 गोलियां, एक हिस्से में 4 आए थे ना। हाँ, और फिर उस 4 को तुमने 2 भागों में बांटा था। हाँ दीदी, बांटा ही बांटा था, है ना। अब हमारा पहले हमारा वो 4 कंकड़ क्या भाग थे? 1/3 भाग थे, 1/3 था ना। 4 कंकड़ क्या थे? 1/3 भाग। अब हम 1/3 भाग को हमने 2 भागों में बांटा, यानी कि 1/3 / 2। 4 कंकड़ 1/3 थे ना, ये 4 कंकड़ निकले ना, 1/3 निकाला जो हमने। हाँ दीदी।
अब इस एक बटे तीन भाग को यानी कि चार कंकड़ को हमने दो बराबर भागों में बांटा। इसके लिए हम क्या करेंगे पहले, अब बताओ तुम लोग क्या करेंगे? दो का व्युत्क्रम निकालेंगे। हाँ, और उसका गुणा कर देंगे, उसको गुणा कर देंगे। दो का व्युत्क्रम क्या होगा? एक बटा दो। ठीक है, आया समझ में? हाँ दीदी। अभी कितना आएगा गुणा करने के बाद? एक बटा तीन गुणा एक बटे दो, तीन में दो का गुणा होगा कितना आएगा? एक बटा छह। बहुत सही बताया तुमने, यानी कि जो आखिर में मिला वो एक बटा छह, यानी कि तुम्हारे जो ये दो कंकड़ हैं, ये दो कंकड़, तुम्हारी ये दो गोलियां और तुम्हारी वो दो गोलियां, ये क्या है? एक बटा छह भाग है इसका, बारह गोली का, बारह कंकड़ का। बात समझ रहे हो ना? हाँ दीदी। ये दो कंकड़ क्या है? बारह कंकड़ के एक बटा छह भाग है। समझ में आ गया? हाँ दीदी। अच्छे समझ में आया? हाँ दीदी। ठीक है, अब तुम लोग से फिर तुम लोगों को हम एक कागज देते हैं, अब इसको तुम लोग फिर से दो भागों में बांटो। मेरा हो गया दीदी। हाँ ठीक है, मेरा भी हो गया। अब ये हमारा भाग क्या है? ये हमारा एक बटा दो भाग है। ठीक है, एक बड़ा एक कागज दो हिस्से की, एक बटा दो भाग है। अब इसके चार हिस्से करो बराबर बराबर, जल्दी से करो। ला मैं करवा लेती हूँ। मेरा हो गया दीदी। चार हिस्से करने को कहा है ना बेटा। चलो तुम लोग रहने दो, इसका हो गया, इससे बताते हैं सब। जो ये छोटा हिस्सा है, ये पूरे का कौन सा भाग है? ये पूरे का चौथाई भाग है। पूरे का हमने पूछा है, ये तो तुम एक बटे दो का बता रहे हो। पूरे का कौन सा है? अगर पूरे के चार चार आठ हिस्से, चार हिस्से इसके होंगे, चार हिस्से इसके होंगे। दीदी ये पूरे का आठवां भाग है। आठवां भाग यानी कि एक बटे आठ, एक बटे आठ भाग है। ठीक है, अब इसको देखो, ये भाग हमारा क्या हुआ? एक बटे आठ। ठीक है, इसको तुम लोग हम चित्र की सहायता समझाते हैं। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से, ये पूरा कागज है, मान लो ये 8 सेंटीमीटर का है। इसके हमने पहले इसका आधा किया, 4 सेंटीमीटर का कागज मिला हमको। हाँ दीदी। ठीक है, चलो इसको ले लेते हैं, इसे बताते हैं। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर कागज मिला। फिर इसके बाद फिर हमने इसके चार बराबर हिस्से किए, तो हमें क्या मिला? ये एक हिस्सा, यानी कि एक बटे आठ। समझ में आया? हाँ, ये हमारा एक हिस्सा है, ये क्या है? एक बटे आठ। अब इसको हम तुम्हें भिन्न का भाग करके दिखाते हैं, कैसे इसको करेंगे। ठीक है, पहले हमारा जो कागज था एक था, एक कागज था ना, इसको हमने दो बराबर भागों में बांटा, क्या बना? एक बटा दो। ठीक है। हाँ, फिर एक बटे दो कागज को हमने चार बराबर भागों में बांटा, यानी एक बटे दो भागे चार। इसके लिए हम क्या करेंगे? चार का व्युत्क्रम निकालेंगे, चार का व्युत्क्रम से इसको गुणा कर देंगे। ये क्या हो गया? क्या हो गया, बोलो जल्दी से? एक बटे चार, एक बटे आठ। एक बटे आठ हुआ, चार गुणे दो आठ, ये क्या हुआ? एक बटे आठ, यानी कि हमारा जो ये भाग है ये एक बटे आठ भाग हुआ। समझ में आया? हाँ दीदी। जब किसी भिन्न में पूर्ण संख्या से भाग देते हैं, भिन्न से पूर्ण संख्या से, भिन्न में पूर्ण संख्या से भाग देने का अर्थ है उस भिन्न को पूर्ण संख्या के बराबर भागों में विभाजित करना। ठीक है, अब इसका मान निकालने के लिए हम जो हमारी भाजक होता है, यानी कि जो हमारी दूसरी संख्या होती है, जो भाजक होती है, उसके व्युत्क्रम से हम भिन्न को गुणा कर देते हैं और जो भागफल आता है वो उस हिस्से का मान होता है। ठीक है ना। और जब कभी कभी क्या होता है, एक भिन्न को हम दूसरे भिन्न से भाग देते हैं, तो जब एक भिन्न को हम दूसरे भिन्न से भाग देते हैं तो दूसरी भिन्न होती है, यानी कि जो हमारी भाजक होती है, उसका पहले हम व्युत्क्रम निकालते हैं और व्युत्क्रम से पहले वाली भिन्न को हम गुणा कर देते हैं, और गुणा करने पर जो भाग आता है, उत्तर आता है, वो उत्तर ही उस हिस्से का मान